दोस्तों, सह्याद्री की तारीफ़ जितनी भी करो उतनी कम है। आज हम देखेंगे द ज्वेल ऑफ सह्याद्री कहा जाने वाला रतनगढ़। इस साल सोनकी की येलो फ्लावर्स के साथ पर्पल कलर की कार्वी फ्लावर्स देखने को मिले, जो 7-8 साल में एक ही बार आते हैं। रतनगढ़ जाने के लिए आपको मुंबई नासिक हाईवे से इगतपुरी होकर भंडारदरा जाना होता है। रास्ते में आप देखेंगे एक सुंदर वाटरफॉल, जो महाराष्ट्र में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, रंधा वाटरफॉल। भंडारदरा पहुंचने के बाद आपको जाना है रतनवाड़ी। भंडारदरा से रतनवाड़ी रास्ता थोड़ा सा ख़राब है। द रस्टिक लुक ऑफ द विलेज, ए डिलाइट फॉर कैंपर्स एंड ट्रेकर्स। वी हैव स्टार्टेड आवर ट्रेक अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह 4:30 बजे हम लोगों ने हमारा ट्रेक स्टार्ट कर दिया है। हमारे साथ है गाइड शरद, जो हमें गाइड करके रतनगढ़ लेके जा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। रतनवाड़ी से जाने वाला ट्रेक रूट सबसे आसान है। ये ट्रेक रूट घने जंगलों से होके गुजरता है। यहाँ से अंतिम चढ़ाई जो है वो लोहे के सीढ़ियों से होके गुजरती है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाई है। किला 400 साल पुराना है, इसलिए उसकी ओरिजिनल सीढ़ियाँ है जो नष्ट हो चुकी है। फाइनली हम लोग रतनगढ़ के टॉप पर पहुंच गए हैं। सुबह हो गई है और ये देखो मॉर्निंग का नज़ारा हमारे पीछे। ट्रेक ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपकी विल पावर के ऊपर डिपेंड है आप इसको कैसे लेंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फोर्ट द व्यू ऑफ एंटायर भंडारदरा डैम गिव्स अ शीयर प्लेजर। इस किले को 4 दरवाजे हैं। अभी हम पहुंचे हैं गणेश दरवाजा। किले के ऊंचाई पर है द आई ऑफ निडल, निधे पॉइंट। किले पर पत्थरों से कट करके ये वाटर टैंक्स है, जो फिल्ट्रेशन का भी काम करते हैं। पानी फिल्टर होते होते एक टैंक से दूसरे टैंक से जाता है। सबसे आखिरी टैंक का पानी पीने लायक होता है। रतनगढ़ ट्रेक का मेन रीज़न था कार्वी फ्लावर्स देखने का, जो 7-8 साल में एक ही बार आते हैं।
नेदे पॉइंट का नेचुरल होल जो संभवतः हवा के कटाव के कारण हुआ है। सामने हम देख रहे हैं अलंगढ़, कुलंग, मदनगढ़। इसी दिशा में है रतनगढ़ का त्र्यंबक दरवाजा। ये ट्रेक रूट थोड़ा कठिन है। अगर आप सामरेड गांव से ट्रेक स्टार्ट करते हैं तो आपको लगेगा त्र्यंबक दरवाजा। इस मार्ग पे पहाड़ों में सीढ़ियां बनाई गई है। किले को आप चारों तरफ से पूरा एक चक्कर लगा सकते हैं। रत्नाई देवी के नाम से रतनगढ़ इस किले को नाम रखा गया। सुबह 10 बजे के बाद हम लोगों ने किला उतरना शुरू कर दिया था। प्रवरा नदी के उत्तरी तट के साथ घने जंगल से ये गुजरने वाला मार्ग हम दिन में देख पाए। तो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड रतनगढ़ ट्रेक सक्सेसफुली। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम डूइंग द थिंग्स यू लव। यू वांट हैप्पीनेस, कम टू सह्याद्री। रतनवाड़ी में मुख्य आकर्षण है अमृतेश्वर मंदिर, जो अपनी कार्विंग के लिए फेमस है। ये मंदिर हेमाडपंत के युग का है, लगभग 8वीं शताब्दी से है। इसकी कार्विंग देख के मैं सोच में पड़ गया कि 1200 साल पहले कौन सा टूल यूज किया होगा। इस खूबसूरत मंदिर का निर्माण शिलहारा वंश के शासकों ने 9वीं शताब्दी में करवाया था। यह राजा झांझ द्वारा निर्मित 12 भगवान शिव मंदिरों में से एक है।